बड़ी खबर बता देते हैं जो पूरे देश के लिए अहम है। दलित संगठनों का आज भारत बंद है। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रदर्शन है। बीएसपी और भीम आर्मी ने भी भारत बंद को समर्थन दिया है। एमपी में कांग्रेस ने भी भारत बंद को समर्थन दिया है और ऐसे में अलर्ट मोड पर है भोपाल और रायपुर पुलिस। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। तो देखिए, दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। एससी एसटी आरक्षण में जो क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि जिस तरह से जो दलित संगठन है, जो एससी एसटी है, उसमें कुछ और जो गरीब लोग हैं उन्हें और ज़्यादा आरक्षण दिया जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और अब इसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। बीएसपी और भीम आर्मी ने भी भारत बंद को समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने इस भारत बंद को समर्थन दिया और ऐसे में अब अलर्ट मोड पर है भोपाल और रायपुर पुलिस। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। अब चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला क्या है जिस पर इस तरह से एसटी एसटी के जो संगठन है वो इतने भड़क गए। तो देखिए, फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने, संविधान पीठ ने ये फैसला लिया था, 6-1 बहुमत से फैसला दिया गया और आरक्षण के भीतर आरक्षण में मोहर लगाई गई थी। एसटी एससी आरक्षण में सब कैटेगरी संभव है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। जो एसटी एससी आरक्षण है उसमें सब कैटेगरी होना चाहिए, आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने का लक्ष्य है, ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसी को लेकर लगातार जो दलित संगठन है वो अब उन्होंने भारत बंद का ऐलान कर दिया, वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ और अब इनको सपा की तरफ से समर्थन भी मिला है। तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी समर्थन कर रही है इस बंद को और इसको लेकर पुलिस जो है जगह जगह पर तैनात है। तो बीएसपी और भीम आर्मी ने इसका समर्थन किया, जिस तरह से दलित संगठन ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि जो आरक्षण है उसके अंदर भी सब कैटेगरी संभव है और आरक्षण का लाभ हर जरूरतमंदों तक पहुँचाने का लक्ष्य है।